तीखी मिर्ची। जंगल में दो बहनें रहती थी। एक का नाम था मिनी और दूसरी का नाम था नैनी। मिनी बहुत शांत स्वभाव की थी और नैनी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी। मिनी को सभी लोग पसंद करते थे क्योंकि वह सभी से मीठी बातें करती थी, इसलिए सब उसे मीठी मिशी कहते थे। लेकिन नैनी को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वह सबसे गुस्से से बात करती थी, इसलिए सभी उसे तीखी मिर्ची कहते थे। एक दिन मिनी, नैनी और कुछ चींटियां मोटू हाथी के दुकान पर जाती हैं। वहां जमीन पर उन्हें सफेद टुकड़े मिलते हैं। मिनी उन टुकड़ों को उठाकर चखती है और कहती है, कितना मीठा है यह। तभी मोटा हाथी अपने नौकर गधे से कहता है, तूने सारे मिश्री के दाने नीचे गिरा दिए। जल्दी से इन्हें उठा ले वरना इन पर चींटियां लग जाएगी। मिनी कहती है, ये होती है मिश्री। मिनी की सखी चेरी कहती है, तुम्हें सब मीठा इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम मिश्री की तरह मीठा बोलती हो। तभी नैनी बोलती है, तीखी मिर्ची कैसी होती है, जरा मैं भी इसका स्वाद लूं, आखिर सब मुझे तीखी मिर्ची क्यों कहते हैं। चेरी कहती है, अगर तुमने मिर्ची को छू लिया तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। तभी दुकान पर बंदर आता है और कहता है, मुझे आधा किलो मिर्ची दे दो। गधा नौकर अंदर जाता है और मिर्ची लेकर आता है। मिर्ची के कुछ टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। मिर्ची को छूते ही उसके शरीर में जलन होने लगती है। मिनी उसे तुरंत घर लेकर जाती है और उस पर पानी डालती है। लेकिन फिर भी नैनी के शरीर पर खुजली होती है। नैनी कहती है, तीखी मिर्ची तो बहुत बुरी होती है, इसलिए सभी लोग मुझे तीखी मिर्ची कहते हैं। आज से मैं भी मिनी की तरह मीठा बोलूंगी, किसी से गलत नहीं बोलूंगी। मॉरल्स। एक अच्छा व्यवहार ही इंसान को जीवन में आगे बढ़ाता है।